नमस्कार दोस्तों, एंजल सेज में आपका स्वागत है। मैं विशेष शर्मा आपसे फिर एक बार मुखातिब हूँ और मेरे साथ हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंट्रा डे के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से जब हमने अपना पिछला पॉडकास्ट किया था उसके बाद बहुत लोगों के हमारे पास क्वेरी आई थी कि उनको इंट्रा डे के बारे में जानना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमर सिंह जी से इसी बारे में। सर बताएं, इंट्रा डे एज अ कॉन्सेप्ट अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए डिकोड कर सके तो। धन्यवाद विशेष। देखिए, इंट्रा डे ट्रेडिंग जो है उसमें जनरली क्या होता है कि जो भी ट्रेडर्स के लिए बेसिकली ये टर्म कॉइन किया गया है, तो इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो ड्यूरिंग द डे ही अपने पोजीशन बिल्ड करते हैं और स्क्वायर ऑफ करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज किसी ट्रेडर ने रिलायंस का शेयर खरीदा, उसे तेजी लग रही है, उसने रिलायंस का शेयर खरीदा और फिर उसने मार्केट क्लोज होने से 3:30 से पहले ही उसने जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो इसे इंट्रा डे ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब आप सुबह लेंगे और शाम को बेच देंगे, उसमें ऐसा भी कुछ रहता है जब भी हम लोग वो शुरू करें तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेड करने से पहले हम लोगों को? ज़रूर, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो उसे बहुत एक्टिव ट्रेडिंग भी कहा जाता है और जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसे पैसिव ट्रेडिंग कहा जाता है। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ जो बातें हैं वो बहुत मुख्य हैं, उन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में मैं कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन पे बात करूंगा जी। तो पहला तो ये है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप डे ट्रेडर बनिए लेकिन डेली ट्रेडर ना बनिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप डे ट्रेडर बनिए मगर डेली ट्रेडर नहीं। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे आप हमारे लिसनर्स के लिए? इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेने पड़ेंगे। आपको जो है वो यदि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स में यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप कुछ जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं जिनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है उनमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और जो मुख्य बात यह है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसा मैंने कहा कि आप डे ट्रेडर बनिए लेकिन डेली ट्रेडर मत बनिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्टॉक्स जिसको आपने फाइनलाइज जिसकी लिस्ट आपने बनाई है उसमें आपको डेली अपॉर्चुनिटी मिले ही मिले। तो यदि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यदि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में उस दिन नहीं रहती है, तो आप बेटर है कि साइडलाइंस पे रहें। तो इसके अलावा अमर जी, और कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमारे लिसनर्स को ध्यान रखने चाहिए इंट्राडे ट्रेड के वक्त? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन पॉइंट्स को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे हमारे लिसनर्स के लिए तो। जी, आपने सही कहा। जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। Okay. उसे आप ट्रेडिंग की तरह ट्रीट मत कीजिए, आप उसे बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए कि यदि बिजनेस आप कोई कर रहे हैं okay. और आपकी कोई कैपिटल है जो आप उस बिजनेस में डाल रहे हैं तो भी. आप उस बिजनेस आप उस कैपिटल को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो डे ट्रेडिंग जो है उसमें आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत नॉइज रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप यदि वो सबसे डिस्ट्रैक्ट हो गए तब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो है वो बहुत डिसिप्लिन की इसमें जरूरत पड़ेगी, जिस पे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा, जी जी जी, समझाना चाहूँगा विस्तार में कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहती है, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों, चाहे वो न्यूज़ फ्लोज हों, चाहे वो इंटरनेट हो, या आपके दोस्तों के थ्रू सो कॉल्ड एक्सपर्ट गुरुज जिनको हम बोलते हैं, तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो आपको यदि आप उन सब बातों का ध्यान देने लगे जब मार्केट में मूवमेंट हो रही है तब आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके कुछ ना कुछ डिफाइंड रूल्स होने चाहिए जो आपको इमोशनल होने से बचाएं, वो बहुत जरूरी है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भी आप कॉल्स ले रहे हैं आप अपने इमोशंस को साइड में रख के बहुत प्रैक्टिकल कॉल्स लें। करेक्ट। देखिए, क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग तो इमोशनल बींग्स हैं, हम लोग बंडल ऑफ इमोशंस हैं, लेकिन मार्केट में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और खास करके जब इंट्राडे ट्रेडिंग की जो मैंने बात की जिसे एक्टिव ट्रेडिंग कहते हैं, वहां हमारे सारे इमोशंस बाहर निकल के आते हैं, तो जहां हम इमोशंस पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं वहां हमसे गलती पे गलती होते चली जाती है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में
डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन तभी आएगी जब आपके पास कोई एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी हो जिसे आप फॉलो करें। इसके अलावा जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका मूड कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। यदि आप सपोज मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप मार्केट में ट्रेड करते समय हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो, हो सकता है आप फ्लो में चले जाएं, आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लें, या फिर आप दुखी हैं किसी कारण से, या आप परेशान हैं और उसमें आपने ट्रेडिंग की, तो वो आप वो जो है ये जो आपके इमोशंस हैं वो आपके ट्रेड पे इफेक्ट करेंगे। अमर जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया, बिकॉज जितना मैंने भी अभी तक देखा है मेरी लिमिटेड जर्नी में, लोग इस पॉइंट पे कभी हाफ नहीं करते। वो बोलते हैं आप एजुकेशन पे ध्यान दें, वो बोलते हैं आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन ये इमोशन वाला जो आप एलिमेंट लेके आए हैं, ये मुझे ऐसा लगता है हमारे लिसनर्स को बहुत बहुत काम में आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि जिसको अगर फॉलो करें डेली रूटीन में तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? ज़रूर, एक और बात है जो ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुक करना होगा जी। और ये क्योंकि जब आप पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास एक टाइम विंडो है, 9:15 से 3:30 का टाइम विंडो, उसी के बीच में आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो यदि आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रही है तो कभी भी उस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट ना करें। कहने का ये मतलब हुआ कि सपोज आपने रिलायंस 1500 में खरीदा और रिलायंस सपोज 1530 होता है, तो आप और आपका स्टॉप लॉस सपोज 1490 का है, तो ऐसी स्थिति ना आए कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, क्योंकि जहां आप 30 रुपए के प्रॉफिट में हैं वहां फिर बाद में 40 रुपए का ऊपर से लॉस हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लीजिए, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो, ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो। ये बहुत जरूरी और अहम ये चीज़ है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जी, आपने बहुत बहुत इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी बताई है, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में हम लोग जो है उस मोमेंट को मिस कर देते हैं और उसके बाद में पछताते हैं फिर, और फिर उसके बाद सारा दोष देते हैं मार्केट के ऊपर कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है। तो ये तो हुआ एंट्री एग्जिट का बात, इमोशंस हमने कवर किया। इसके अलावा कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि हमारे लिसनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है? दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो कि कहीं ना कहीं आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप कितना बड़ा पोजीशन इंट्राडे में बिल्ड कर रहे हैं। और क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर होते हैं, हमें हमेशा जो है अच्छा सब कुछ दिखता है, लेकिन हम जब मार्केट में आते हैं तो हमें सत्य देखना है कि मार्केट हमारे फेवर में भी रह सकता है, हमारे अगेंस्ट भी रह सकता है। तो जब यदि ट्रेड हमारे अगेंस्ट रहता है तो हम उस ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेसफुल होने में इंट्राडे ट्रेडिंग में। अमर जी, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पर्सनली भी मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ इस चीज़ को लेकर। जो सपोज अगर मेरे पास 100 रुपये हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं वो 100 के 100 रुपये एक स्टॉक के ऊपर लगा दूं, या मैं 10 स्टॉक उसमें लूं 10-10 रुपये का, जिससे कि हो सकता है अगर 6 मेरे ट्रेड अच्छे चले 4 खराब चले, या क्या स्ट्रैटेजी उस मेरा जो अमाउंट है उसको लेके रहने चाहिए कैपिटल अमाउंट? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यदि आपके पास 100 रुपये हैं और आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं इंट्राडे में, तो मेरा ये मानना है कि 4% से 5% से ज़्यादा आप रिस्क किसी पर्टिकुलर ट्रेड में ना लें। तो उससे क्या होगा, यदि आपके 20 ट्रेड गलत जाएंगे तब आपकी जो है कैपिटल वाइप आउट होगी, लेकिन वो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और जहां आप रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करने लगते हैं तो आपके लॉसेस जो है वो कम होने लगेंगे, और फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे कुछ लोग हैं जो सेंसेक्स में जो टॉप 30-31 स्टॉक्स है उसी में खेलते हैं, कुछ लोग हैं जो निफ्टी 50 का है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लू चिप कंपनीज है, टॉप 200 कंपनीज है उसी में देखते हैं, बट लोगों को लगता है इतना कंपनीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब तो डेफिनेटली आपकी जो लिस्ट है वो 8-10-12 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने किसी स्टॉक में पोजीशन लिया और इमीडिएटली आप बेचने जाते हैं तो बिड एंड आस्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, नहीं तो वहाँ आप अटक सकते हैं। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स में करने चाहिए, जैसे निफ्टी 50 जैसा आपने बताया उसमें आप कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो तो बहुत अच्छा है, उसमें ऑप्शंस में भी आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत लिक्विडिटी है, वहाँ आप काम कर सकते हैं, आप कैश में कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 10-12 कम से कम स्टॉक्स आपके पास फोकस में रहने चाहिए, जिसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड करें, और एक साथ जो है वो 4-5 पोजिशंस खोल के ना रखें, ओपन पोजीशंस जो है 4-5 ना रखें, दो से तीन पोजीशन काफी है इंट्राडे यदि आप ट्रेड कर रहे हैं। पोजीशन क्लोज आउट करने के बाद आप फिर फ्रेश पोजीशन बिल्ड कीजिए, एक साथ 8-10 पोजीशंस इंट्राडे में नहीं बिल्ड करना चाहिए, तो उससे ट्रैक करना भी शायद मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको स्टॉप लॉस बुक करने में भी थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर 2-3 रहेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे चीजें मैनेज उसमें, वो नेचुरल है क्योंकि आप ये समझिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली वो आप वॉर जोन में रहते हैं और बहुत आपको हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा आपके पोजीशंस रहेंगे उतनी ज़्यादा जो है आप मतलब अलग अलग विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको आपको देखिए आपको ये समझना ये ज़रूरी है कि आप इमोशनल कंट्रोल में हो, आपकी जो इमोशंस है वो आपके एकदम कंट्रोल में हो तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी। जहाँ आपको लगे कि इमोशंस आपके आउट ऑफ ये कंट्रोल जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यू आर इन डेंजरस टेरिटरी, तो आप जो है रेड जोन बियरिश जोन में आ गए। रेड जोन में। तो सर आपने बात की इमोशंस की, एंट्री एग्जिट पॉइंट की, और रिस्क कैसे मैनेज किया जाएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके अलावा कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा हो जो आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो टफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज भी कंटिन्यूसली गेन करते रहना पड़ेगा और अपनी जो इमोशनल जो स्ट्रेंथ है उसको गेज करते रहना पड़ेगा। इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो मैं ये दो बातें कहना चाहूँगा कि नॉलेज आपकी जो है वो बढ़ते रहे, उस पर आप फोकस करें, और अपने जो इमोशनल स्टेट है उस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो लिसनर्स, जैसा आप लोगों ने सुना, अमर सिंह जी ने बहुत ही क्लियर कट यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है कि आपका जो इमोशनल कंट्रोल है अगर वो गया तो फिर सब गया। इसके लिए एक सक्सेसफुल इंटर ट्रेडर होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इसी के साथ अमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे लिसनर्स के साथ इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।